नमकीन पुआ बनाने की रेसिपी। ये चावल है, चने की दाल है और उड़द की दाल है। हम एक कटोरी चावल लेंगे, आधी कटोरी चने की दाल, आधी कटोरी उड़द दाल। इसे हम पानी में भिगा देंगे। अब हम इसे पीस लेते हैं। ये हमारा चावल का घोल तैयार हो गया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। अब इसमें मसाले डालेंगे लहसुन, लाल मिर्च, हल्का सा धनिया, हल्दी पाउडर, अदरक और गरम मसाला। अब हम इसे पीस लेते हैं। 1 चम्मच काली मिर्च। हम देख सकते हैं हमारा मसाला तैयार है। अब हम इसे इसमें मिला लेते हैं। अब इसमें नमक डाल लेते हैं, नमक स्वाद अनुसार। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। आप देख सकते हैं घोल हमारा तैयार है। ये ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पतला होगा तो ये फिर बनेगा नहीं अच्छे से। अब हम कढ़ाई में रिफाइंड डाल लेते हैं गर्म होने के लिए, इसे तलने के लिए। अब हम इसे डाल लेते हैं कढ़ाई में, आँच कम कर लेंगे। पुआ हमारा, नमकीन पुआ तैयार है। अगर घोल पतला हो जाए तो उसमें हम आटा, हल्का सा या बेसन मिला सकते हैं।